अरे आवाज नहीं। याद है हम लोग सीख चुके थे ना पिछले क्लास में, याद हो गया था ना क्या प्योर रोलिंग का हम लोग सीख चुके थे छोटा छोटा बात। आज थोड़ा रिकॉल करते छोटा छोटा बात का तो बात और समझ में आएगा। अब ज्यादा कुछ है नहीं, एप्लीकेटरी बेस्ड चीजें हैं। जल्दी आओ जल्दी आओ। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा रेस्ट में रहता है, ये कल हम लोग सीखे थे ना। अगर हम दो तीन पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं तुमसे, तो अगर हम कह दें ये सेंटर ओ है और ये ए पॉइंट है, ये मेरा पी पॉइंट है ना, इसको हम बी पॉइंट कह दे रहे हैं और इसको सी पॉइंट कह दे रहे हैं, तो बता सकते हो कि ए पॉइंट का रफ्तार क्या होगा? एक तो इसके पास, क्योंकि हमने इसके सेंटर ऑफ मास को भी रफ्तार दिया है और ओमेगा से घुमा दिया है। क्या यहां तक सीखे थे हम लोग? इसका रफ्तार क्या होगा? एक तो आगे की तरफ ट्रांसलेशन वाला, हर पॉइंट के पास आगे की तरफ भी होगा। सही बात है क्या? हर पॉइंट के पास आगे की तरफ भी होगा। अब हर पॉइंट के पास रोटेशन वाला रफ्तार देना पड़ेगा। रोटेशन का रफ्तार होता है ओमेगा इंटू आर, अगर प्योर रोलिंग हो रहा हो तो। कल हम पूरा अच्छा डिटेल में बात किए थे, अगर प्योर रोलिंग हो रहा होगा तब ओमेगा बराबर वी बाय आर लिखेंगे या वी बराबर ओमेगा आर लिखेंगे। यहां तक बता चुके थे ना? तो बता दो इसके पास रोलिंग के कारण आगे की तरफ एक रफ्तार होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है यहां पर, है ना। तो क्या लिखोगे यहां पर? एक भी होगा जो कि ओमेगा आर के बराबर होगा। तो भी एट ए क्या बताए थे? भी प्लस भी, यानी कि टू भी हो गया। याद है बता चुके थे। बोलेगा अगर कि बताओ सेंटर का रफ्तार बताओ, सेंटर के पास सिर्फ भी होगा। वी एट ओ क्या होगा? सिर्फ भी, क्योंकि हमको चाहिए वहां पर रोटेशन के लिए ओमेगा इंटू आर। आर तो है ही नहीं, क्योंकि सेंटर से आर है क्या? सेंटर पर है, इसलिए आर तो जीरो हो गया, तो सिर्फ भी बना। अगर हम पूछें बी पर बताओ, तो आगे की तरफ भी, एक नीचे की तरफ भी होगा क्या? क्योंकि ऐसे घूम रहा है ये, देखो कैसे घूम रहा है ऐसे। अगर ऐसे घूम रहा है तो यहां पर इसके पास एक रफ्तार नीचे की तरफ होगा। अरे यार ऐसे होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, तो नेट रफ्तार ऐसे बना हो गया। ये क्या हो गया? भी रूट टू। ये हो गया इधर की तरफ भी रूट टू। अगर पूछा कि हमको बताओ सी पर बताओ, तो भी एट सी क्या होगा? इधर की तरफ भी, इधर की तरफ भी, जिसको हम कह देंगे ओमेगा इंटू आर। नेट रफ्तार इधर की तरफ हो जाएगा भी रूट टू। समझ में आ रहा है बात? कहां मर गया ये? इधर है और ये भी इधर है, तो क्या हो गया ये? भी रूट टू। और भी पी अगर पूछेगा तो सर जी भी इधर की तरफ, एक ओमेगा आर इधर की तरफ, जो कि भी के बराबर है। समझ में आ रहा है बात? तो भी माइनस भी बराबर जीरो। यहां तक सीख चुके हैं ना हम लोग? ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं तब बात समझ में आएगा। मान लो कि ये सेंटर है अपना, इससे किसी r बाई टू डिस्टेंस पर पूछा कि बताओ इसका रफ्तार कितना, एक भी आगे की तरफ और एक होगा ओमेगा r बाई टू होगा। अरे एक भी होगा आगे की तरफ, एक ओमेगा r बाय टू होगा। तो बोला कि इस जगह बताओ वेलोसिटी क्या लिखोगे यहां पर, है ना? इसको कुछ f बोल दे क्या, f पॉइंट वेलोसिटी क्या लिखो? v प्लस ओमेगा r बाय टू। ये भी है क्या? v प्लस v बाय टू, यानी कि थ्री v बाय टू। क्लियर है यहां तक? अब आगे पूछा यहां पर कि हमको इस जगह पर रफ्तार बताओ। कहां पूछा? इस जगह पर। तो क्या करोगे? यहां पर एक v होगा और एक होगा इधर की तरफ। मेरी बात आ रही समझ में? ओमेगा r मतलब v। अगर हमको ये एंगल देकर रखा है किसी ने, एक 60 डिग्री का एंगल दे दिया, मेरी बात आ रही समझ में? अगर ये 60 दिया है तो क्या हम ये एंगल 30 कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है? ये अगर 30 है तो ये 60 होगा क्या? ये भी 90 डिग्री है क्या? अगर पूछा इस जगह पर बताओ वेलोसिटी क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे? भी रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू भी कॉस 150 डिग्री। मेरी बात आई समझ में? क्या क्या लिखो बताओ तो? भी का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर प्लस टू भी कॉस 90 प्लस 60। सही है क्या? 90 प्लस 60 मतलब साइन 60 माइनस में कि प्लस में?
90 प्लस साइन के रीजन में चला गया ना, तो होगा प्लस, क्या होगा प्लस कि माइनस। जिंदगी यही तो है, जिंदगी सवाल के जवाब ढूंढने चली है ना, जवाब में हमको नहीं बोलेगा आगे नाइस मिली नहीं याद है, ठीक है ना। क्या करो इसका, यहां पर ऑल, यहां पर साइन, तो ये हो गया 90 के आगे अगर साइन रहेगा तब ना पॉजिटिव होगा, ये तो कॉस है ना, तो रहेगा निगेटिव, क्या रहेगा निगेटिव, तो क्या हो गया 2b² प्लस में 2b² साइन 60 डिग्री, लेकिन रहेगा माइनस में, तो क्या हो गया यहां से देखो, तो 2b² 1 - √3/2, गलत लिखें सही लिखें, सही है ना, तो कुछ कुछ तो कर ही सकते हैं यार इसका, तो भी बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा 2 - √3, देखो सही से भी बाहर आ गया, 2 से 2 कट ही गया, एलसीएम लेंगे, अरे यार इसको बाय वन करोगे तो गेट वन फ्री मिलेगा, तो 2 खत्म हो गया, तो 2 - √3, समझ गया एक बात की नहीं आया, क्या ये काम कर लोगे, अब आसान है यहां तक, कोई तकलीफ है तो बताओ, नहीं है ना यहां तक, ठीक छापोगे क्या। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है इस सवाल में, इस सवाल में कह रहा है कि स्फीयर है जिसका रेडियस आर दिया है, इसको क्या किया गया है, जेंटली प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा नॉट, हमने एक बॉडी को ऐसे घुमा दिया है, मेरी बात आ रही समझे, लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यू, फाइंड द टाइम एट विच स्लिपिंग स्टॉप्स, स्लिपिंग प्योर रोलिंग स्टार्ट, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, कितना देर के बाद ये सब होगा हम लोग बना चुके हैं, बनाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे करते हैं बताओ, तो शुरुआत में हमने स्पिनिंग दिया है, थोड़ी देर के बाद का सीन क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसके पास रफ्तार होगा वी नॉट, जो कि ओमेगा इंटू आर के बराबर हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट है और इसका रफ्तार ओमेगा है, कैसे निकालोगे ये चीज, क्या बताए थे इस पूरे कहानी के लिए, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट करवाते हैं क्या, अरे यार याद है कि नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट करवाते हैं क्या पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में, याद आया कि सब चाट गए, हमें कुछ नहीं आता कि हमें सब आता है, कुछ नहीं आता, क्या करोगे बताओ, शुरुआत में रफ्तार नहीं है इसके पास, इनिशियल रफ्तार जीरो, सिर्फ स्पिन दिया, तो पूछ रहा कितना देर के बाद ये प्योर रोल करने लगा, सीधा सवाल यही, क्या सवाल तो ये है ना, कितने देर के बाद ये प्योर रोल करने लगेगा, ये ना पूछा गया जी, क्या करोगे बताओ, एल आई बराबर एल एफ, क्या करोगे बताओ, आई ओमेगा नोड, शुरुआत में सिर्फ आई ओमेगा नोड, बाद में क्या हो जाएगा आई ओमेगा प्लस में एम भी इंटू, क्लियर है यहां तक, क्या लिखोगे आई कितना है, क्या ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बराबर आई कितना 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस में एम भी बराबर ओमेगा आर इंटू आर, गलत लिखें सही लिखें, क्योंकि आफ्टर रीचिंग दैट कंडीशन भी नॉट बराबर ओमेगा आर होना चाहिए, वो हम लिख दिए यहां से, ये भी नॉट लिख देना ठीक है, अब क्या करोगे यहां से जल्दी से बताओ ओमेगा कितना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो अपने से करो, और हमको बताओ हम गलती किए क्या सही किए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2/5 ओमेगा नॉट बाय 2/5 प्लस 1 यानी कि 7/5, अरे 7/5 ही तो आ रहा है, क्या बचा ओमेगा का वैल्यू 2/7 ओमेगा नॉट, क्लियर है यहां तक, इतना आ गया तुमको बता सकते, रफ्तार कितना हो गया इसका वी नॉट बराबर ओमेगा इंटू आर, तो 7 ओमेगा नॉट 2/7 ना 2/7 ओमेगा नॉट है ना, तो 2/7 ओमेगा नॉट इंटू आर, ये होगा फाइनल रफ्तार,
क्या करोगे इसके बाद, एक्सेलरेशन कैसा होगा? न्यू जी, अच्छा सपोर्टिंग होगा क्या अपोजिंग होगा, पहले इतना बताओ। फ्रिक्शन आगे लगा पीछे लगेगा, पीछे। वेलोसिटी किधर बढ़ा? आगे। वेलोसिटी किसने बढ़ाया? एक्शन किसने दिया? अरे यार, इसको 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 किसने दिया आगे एक्सेलरेशन? या फ्रिक्शन इसको पुश कर रहा है? फ्रिक्शन एक तरह से अभी समझना रोड इंस्पेक्टर की तरह काम कर रहा है। अगर घट रहा है तो बोलेगा बढ़ जाओ, बढ़ रहा है तो, ताकि फ्रिक्शन का सिर्फ इतना काम है कि सिस्टम को प्योर रोल करवा देना। सिस्टम को क्या करवाना? प्योर रोल करवाना। मेरी बात आई समझ में? उसने देखा कि ये बॉडी स्पिन कर रहा है, इसकी ओमेगा बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, ओमेगा कम करवाओ। ओमेगा कम कैसे करवाएगा? सोच के तो कोई ऐसे घूम रहा है तो इसको टॉर्क कैसे देगा क्या? तभी तो ओमेगा कम होगा। और इसको आगे धक्का दो ताकि इसका वेलोसिटी हो, भी बढ़ाओ, भी बढ़ाने के लिए इसने फ्रिक्शन लगाया। तुमको अगर लगता है कि ऐसा कुछ, क्या फील हो रहा है मेरा बात, हम क्या कहना चाहते, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रिक्शन का काम क्या है? रोड इंस्पेक्टर। क्या है? समझ रहे हो ना बात को? इसने देखा कि कब तक, प्योर रोलिंग करवाने तक। फ्रिक्शन काम क्या है बता दो? बॉडी को प्योर रोल करवाना। क्लियर है यहां तक? अगर बॉडी को प्योर रोल करवा रहा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? क्योंकि इसका वेलोसिटी है नहीं, और आगे हमको दिख रहा है वेलोसिटी होना चाहिए, तो वेलोसिटी देगा कौन? इसके पास कहीं से कोई फोर्स लगा नहीं रहे, यानी कि फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है इसके वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, पहला बात। सेकेंड नंबर, इसके ओमेगा खूब रफ्तार वाला दिए हैं, करवा दिए हैं। क्या करवाएंगे इसका? ओमेगा कम करवाएंगे। ओमेगा कम करवाने के लिए हमको इसको उल्टा टॉर्क देना पड़ेगा क्या? तो घूम तो रहा है इसे ना, इसको उल्टा टॉर्क। उल्टा टॉर्क भी देगा कौन? फ्रिक्शन। क्या पूरे अच्छे से बात समझ में आया? यानी कि यहां पर फ्रिक्शन लग गया आगे, अब क्या करोगे? सर जी एफ नेट बराबर क्या लिखते हो? मां फ्रिक्शन बराबर एमए। मेरी बात आ रही समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो फ्रिक्शन का वैल्यू इतना आ गया। सेकेंड चीज क्या लिखोगे? टॉर्क नेट बराबर आई अल्फा। अरे लिखोगे नहीं लिखोगे? टॉर्क कितना हो जाएगा बताओ? एफ आर इंटू आर, एफ आर इंटू बराबर आई। क्या लिखोगे? 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा के जगह पे क्या लिखोगे? अल्फा ए बाय आर। अगर प्योर रोल करने लगेगा तो ए बाय आर होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ रहा है ना? अच्छा एक चीज हम देखो, हम हर बार एक छोटा सा काम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन के जगह पर म्यू इंटू एन लिखते थे ना पहले हम लोग, वो नए लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि म्यू इंटू एन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है जो ग्राउंड लगा सकता है, उतना लगाए ये कोई जरूरी? मेरी बात आई समझ में? फ्रिक्शन उतना फोर्स लगा सकता है, उतना लगा रहा है ये हमको पता नहीं है, इसलिए हम अभी फ्रिक्शन एफ आर लिख रहे हैं। तो हमको पता ही नहीं है क्या, हम उसको एलिमिनेट भी कर देंगे। देखो हट गया ना यहां से, अरे यार एफ आर का वैल्यू हट जाएगा, यहां पर पुट कर लो। मेरी बात आई समझ में? अरे आएगी नहीं यार? तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? बोलो कटिया क्या? तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ गया? देखो तो 2ma/5। समझ रहे हो बात को? क्या लिख दिए जी हम? सही लिखे रे? हाँ, यहां तक कोई अधिकरण है? कुछ गड़बड़ कर दिया ना? क्या गड़बड़ किया जरा बताओ? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम गड़बड़ क्या किए बताते हैं। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या गड़बड़ किए यही पर सीखना है हमको। क्या जो हम ये लिखे हैं ए बाय आर, ये कब लिखे हैं? प्योर रोल करने के बाद। हम क्या प्योर रोलिंग हुआ है अभी? नहीं हुआ है। तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे आ गया होगा, क्योंकि ये स्किड कर रहा है बॉडी,
और स्किड करते वक्त अपने काइनेटिक फ्रिक्शन पर पहुंच गया होगा मामला, जो कि म्यू इनटू एन के बराबर होगा। तो दिमाग स्लिप कर जाता है कभी कभी, समझ गया बात को? मेरी बात ही नहीं समझ में आई, यहां बॉडी स्किड कर रहा है ना, ये बात कब लिख सकते हैं बताओ तो? जब प्योर रोल करता तो, यानी कि यहां से तक हिस्सा क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया हिस्सा गलत, ये रॉन्ग हो गया। क्या बात समझ में आया क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि इस पूरे कहानी में जो फ्रिक्शन होगा ये कैसा होना चाहिए? काइनेटिक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यहां पर तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा यार, अब लगेगा क्या? फ्रिक्शन है मगर नहीं लगता, ये बात बता चुके थे। यहां पर कैसा लग रहा होगा? काइनेटिक। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू इंटू एम जी। मेरी बात आई समझ में? आप बता सकते एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? यानी कि म्यू एम जी बराबर एम ए लिख दोगे सीधा सीधी, ए बराबर क्या लिखोगे? म्यू इंटू जी। आप बता दो भी बराबर क्या लिखोगे? भी नॉट बराबर जीरो प्लस में म्यू जी टी, गलत लिखें क्या? सही है क्या? जितना देर में यह हुआ है यही तो समय है, अब भी नॉट हमको पता है, तो सेवन ओमेगा नॉट आर बाय, यार सेवन क्यों लिखते हैं बार बार, सेवन बाय म्यू जी टी नॉट, क्या टी नॉट आ गया? टी नॉट कितना आया जल्दी बताओ तो? टू ओमेगा नॉट आर बाय सेवन म्यू जी। क्लियर है यहां तक? छपो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बहुत भारी काम था कि हमने ये कर चुका, कर लिया हम लोग? छपो जल्दी से, सुनना ध्यान से, यहां से क्या था? इसका रफ्तार भी नॉट था ना, इसका रेडियस आर दिया हुआ था, एन दिया हुआ था। यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि जो भी नॉट है ये ओमेगा इंटू टू आर के बराबर है, अरे है कि नहीं है, जो कि टू ओमेगा आर के बराबर है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि भी नॉट ओमेगा आर से ज्यादा है, तो मतलब ये चीज क्या कर रहा होगा? स्किड। ये क्या हो रहा होगा? स्किड कर रहा होगा। तभी इस कंडीशन में फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा बता सकते हो? फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, क्योंकि रफ्तार ज्यादा है तो रफ्तार को कम करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसका रफ्तार घटाएगा, और ओमेगा कम है तो उसे घुमाने के लिए हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा आगे की तरफ। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? टॉर्क कैसे लगाना पड़ेगा ताकि हमको ओमेगा को बढ़ाना है। मेरी बात आई समझ में? और अगर प्योर रोल करे थोड़ी देर के बाद क्या होगा इसमें? भी बराबर ओमेगा इंटू आर। तो क्या कर सकते हो बताओ? एल आई बराबर एल एफ। एल आई कितना? एम भी नॉट इंटू आर प्लस में टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना दिख रहा है? भी नॉट बाय टू आर शुरुआत में है, बाद में क्या हो जाएगा? एम भी आर प्लस में टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा मतलब भी बाय आर। क्या यहां से भी आ जाएगा? अरे यहां से भी आएगा ना, कितना आएगा बताओ? एम आर, एम आर एक आर खत्म हो गया, दो से दो खत्म हो गया, एम आर एम आर ये सब खत्म हो गया, तो यहां से कितना हो गया? पांच और एक सिक्स, सिक्स भी नॉट बाय फाइव एन हो गया बराबर। इधर कितना बचा? पांच दो सेवन, सेवन भी बाय फाइव, फाइव से फाइव खत्म हो गया, तो भी बराबर हो गया सिक्स भी नॉट बाय सेवन। अब सवाल उठता है कि फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा तो क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन बराबर एम ए है क्या, जो कि हो जाएगा माइनस में म्यू एम जी, एम से एम खत्म, एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस में म्यू जी, तो भी बराबर यू प्लस में ए टी, तो भी कितना आ गया, यू कितना है देखो तो, वी नॉट है प्लस में माइनस में म्यू जी टी नॉट। क्या टी नॉट बराबर क्या आ गया देखो जल्दी से, भी के जब क्या लिख दोगे जी? सिक्स वी नॉट बाय सेवन है ना, तो सेवन में से सिक्स खत्म हो गया, तो वी नॉट बाय सेवन हो जाएगा, वी नॉट बाय सेवन म्यू जी। गलत लिखें कि सही लिखें? छप। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? यहां से अब स्टार्ट हुआ हमारा टॉपिक, पहले का कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है पहले के टॉपिक में, अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में ताना चेयर की इधर की तरफ एम जी साइन थीटा लगता है, इसमें साइन थीटा लगता है, इधर की तरफ नॉर्मल, इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा?
शुरुआत में मान लो कि इनिशियल रफ्तार जीरो दिए हैं, ओमेगा नहीं दिए, अब बताओ क्या होगा, फील करके बताओ, जब जमीन पर गिर रहा होगा इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास कुछ भी नॉट रफ्तार होगा और ओमेगा नॉट से घूम रहा, और ये पूरे रास्ते प्योर रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है, इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी बढ़ा है और ओमेगा भी बढ़ा है। वेलोसिटी किसने बढ़ाया, ओमेगा किसने बढ़ाया, पता चला फ्रिक्शन किधर लगा कि नहीं पता चला, इसे फ्रिक्शन किधर लग गया, बैठ रहा है दिमाग में कि नहीं बैठ रहा है। लेकिन एक सवाल, अच्छा उससे बाद में बात करेंगे, क्या समझ में आया कि नहीं आया यार, हम देखो जल्दी से हम क्या बोल सकते हैं बताओ, तो पहला इक्वेशन क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस में फ्रिक्शन बराबर एम ए, गलत लिखेंगे सही लिखें, दूसरा टॉर्क कौन देगा, टॉर्क अबाउट ओ, ये क्या लिखे बताओ, तो एफ नेट बराबर एम ए, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर आई इंटू अल्फा लिखते हो क्या, टॉर्क हर समय सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना है, क्यों, कहीं स्यूडो फोर्स ना आ जाए, इस पर आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, कहीं स्यूडो फोर्स ना आ जाए, है ना, तो टॉर्क बराबर टॉर्क कौन लगाया बताओ, सेंटर के बाद फ्रिक्शन इंटू आर, एफ आर इंटू आर बराबर आई कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन वाला लिख लेते हैं, आई की जगह क्या लिखोगे, अच्छा लिख लेते आई अल्फा, मतलब एम के स्क्वायर इंटू अल्फा, गलत लिखें सही लिखें। तीसरा इक्वेशन क्या लिखो, अगर प्योर रोल कर रहा है जल्दी बताओ, तो एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा बराबर होगा, अगर प्योर रोल कर रहा है, फॉर प्योर रोलिंग, ये बात जान रहे हो ना, प्योर रोलिंग एक्सेलरेशन क्या होता है आर अल्फा के बराबर, खत्म हो गया मामला, क्या तीन इक्वेशन आया एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो चलो जल्दी से बता अल्फा का वैल्यू क्या आया, ए बाय आर, इसको यहां पुट कर लेंगे तो क्या बचेगा, फ्रिक्शन इंटू आर बराबर एम के स्क्वायर ए बाय आर, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से एफ आर बराबर हो गया एम के स्क्वायर ए बाय आर का स्क्वायर, गलत लिखेंगे से लिखें, आर को नीचे भेज दिए, और इस फ्रिक्शन को यहां भेज देते एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस में एम के स्क्वायर ए बाय आर का स्क्वायर बराबर एम ए, एम से एम खत्म, ए बराबर क्या बचा, जी साइन थीटा बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, गलत लिखें सही लिखें, अरे ठीक तो लिखे हैं यार, जी साइन थीटा बचा ये उधर चल जाएगा वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, समझ में आया। लेकिन हम इस सवाल को दूसरे तरीके से बना सकते थे यार, बताओ सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स याद है कि नहीं, क्या अगर प्योर रोल कर रहा होगा तो फ्रिक्शन लग भी रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, यह शुरुआती कंडीशन है, यह शुरुआत में लग रहा होगा, लेकिन जब प्योर रोल कर, अगर हम किसी इंस्टेंट पर बात करें, किसी इंस्टेंट पर बात करें, बताओ क्या हो रहा होगा, जल्दी बताओ, हमें कुछ नहीं होगा कि नहीं होगा, एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से, जो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा सपोर्टिंग फोर्स बाय टोटल मास एम प्लस में आई बाय आर स्क्वायर, चेक करो देखो तो आ रहा है सही कि गलत आ रहा है, यह समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किए, याद आया कुछ हम लोग पढ़ा करते थे, बॉडी घूम रहा है आई बाय आर स्क्वायर, बॉडी भाग रहा है एम, याद आया कि नहीं आया, आई बराबर एम के स्क्वायर करोगे एम से एम साफ हो जाएगा वही आएगा, नहीं आया छापो, तो क्या इतना करने का जरूरत था कि सीधा बना लेते हम, छापो जल्दी से, बोलोगे ये कहां से आ गया, सपोर्टिंग फोर्स फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास, बॉडी भाग रहा है बॉडी घूम रहा है,
तो बॉडी अगर रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर तो एक्सेलरेशन कितना होगा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अच्छा, हमको एक चीज और कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन इसके ऊपर, है ना? वो फ्रिक्शन हमको चेक करना है ताकि प्योर रोल करवाए, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा होगा, जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है यहां पर वो तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा है। क्या उतना लग भी रहा है? हमको ये चेक करना। मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में? मेरी बात आ रही समझ में? जितना मैक्सिमम अवेलेबल है वो म्यू इंटू एन होता है कि नहीं होता, और एन बराबर एम जी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, वो तो मैक्सिमम अवेलेबल है ना जी। उतना लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये चेक करें। चलो ठीक है, तो हमको क्या पता चला? एक्सेलरेशन कितना बताओ तो, एक्सेलरेशन बताओ जी, साइन थीटा बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। के जान रहे हो ना, रेडियस ऑफ एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये आ गया। क्या हमें एक बात और पता है कि जो फ्रिक्शन है, देखो यहां फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या निकालो, एम के स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर निकाल लेते क्या? क्या था फ्रिक्शन का फॉर्मूला? एम के स्क्वायर ए बाय आर का स्क्वायर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या? एम के स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर। एक जगह में पुट कर दे तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो जल्दी से, एम के स्क्वायर जी साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा यहां से, वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, एम के स्क्वायर जी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर प्लस में के का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, यहां पर भी एक आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सर कट गया। तो क्या बचा फ्रिक्शन का मतलब? एम जी साइन थीटा, अच्छे से देखना ध्यान से, एम जी साइन थीटा के स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन निकाले ना, आर का स्क्वायर बाय के का स्क्वायर, सही है क्या? अरे है कि नहीं है, आर स्क्वायर बाय के का स्क्वायर। ये हो गया फ्रिक्शन। ये कितना है, ये जो अवेलेबल है रोलिंग करवाने के लिए, क्या ये म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर है? साफ दिख रहा नहीं है, यानी कि हमको एक बात तो तय है कि अगर ये प्योर रोलिंग करवाए और इंक्लाइंड सरफेस इस बात के लिए होल्ड करे, यानी इस फ्रिक्शन को म्यू एम जी कॉस थीटा से कम होना पड़ेगा या ज्यादा बराबर होना पड़ेगा। ज्यादा हो जाएगा मामला खराब हो जाएगा। अरे कितना रिक्वायरमेंट, दिस इज माय रिक्वायरमेंट, ये क्या है बोलो जल्दी से, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर प्योर रोलिंग। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं ये सब चीज, फ्रिक्शन में रिक्वायरमेंट अलग निकालते हैं, कितना अवेलेबिलिटी है वो निकालते हैं, चेक करते हैं कि क्या हो रहा होगा, याद है कि नहीं है? ये मेरा रिक्वायरमेंट है। अब हमको यह भी चेक करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला जमीन है, तो जमीन का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा को कम होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? मेरी बात आ रही समझ में? इस चीज को म्यू एम जी कॉस थीटा कम होना पड़ेगा ना। क्या लिखोगे, जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो हर समय म्यू एम जी कॉस थीटा से तो कम होना चाहिए। अरे बस समझ में, चलो पुट कर लो जल्दी से, क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा बाय वन प्लस में आर स्क्वायर बाय के का स्क्वायर मस्ट बी लेसर देन म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी खत्म, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया? देखो तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन बाय कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बाय वन प्लस आर स्क्वायर बाय के का स्क्वायर। गलत लिखें सही लिखें? यानी कि सरफेस जो होना चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए। मेरी बात आई समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग जानते थे इंक्लाइंड प्लेन के लिए अगर मैक्सिमम टेन जो म्यू होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, लेकिन ये थीटा वो नहीं है। हम मान लेते हैं कि जो अवेलेबल थीटा हम कर सकते हैं मैक्सिमम वो अल्फा बोल दें क्या? अरे यार उसके बाद तो बॉडी फसर जाएगा ना, अल्फा से तो करवा नहीं सकते। मेरी बात आ रही समझ में? क्या करवा दोगे बता दो, लेट कर ले रहा है। जो म्यू मैक्सिमम अवेलेबल है वो हमारा टेन अल्फा के बराबर है, टेन अल्फा समझ रहे हो ना,
ये वो टेन अल्फा ऐसे करके, अगर हम इस पे रोल करवाते तो अब ये ऐसा स्थिति में आ गया है कि इससे थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो सीधे सीधा बॉडी ससर जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो टेन अल्फा को इससे बैठा दिमाग में तो पुट कर लो यार, तुमको यही सब खुरपाती सब सवाल पूछेगा क्या होना चाहिए, यानी म्यू इससे कम होता है ना। चलो ठीक है बता दो, टेन थीटा बाय वन प्लस में आर स्क्वायर बाय, मेरी बात आई समझ में? यानी कि टेन थीटा कितना होना चाहिए, टेन थीटा कितना होना चाहिए, लेस होना चाहिए टेन अल्फा टाइम्स ऑफ वन प्लस में आर स्क्वायर बाय के का स्क्वायर के। कोई दिक्कत है? यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होना चाहिए थीटा, वो इससे कम होना चाहिए। मेरी बात आई समझ में? कुछ ज्यादा बात हो गया नहीं? अभी तो अभी स्टार्ट किया। आगे बढ़ा जाए। क्या तुम लोग एक टर्म समझ में आ रहा है कि फिर और फिर डिस्कस करें, फिर से कर दें? ये जो फ्रिक्शन क्या निकाले बताओ तो, इतनी की रिक्वायरमेंट है सरफेस को। अगर सरफेस में इतना फ्रिक्शन भी ना रहेगा तो बॉडी घूमेगा ही नहीं। मेरी बात आई समझ में? ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमको क्या ये सोचना है कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट है इस मैक्सिमम अवेलेबिलिटी से ज़्यादा ना हो जाए। मेरी बात आई समझ में? मतलब रिक्वायरमेंटें ज़्यादा है। मैं जैसे मैं ये बोलूँ, मेरा रिक्वायरमेंट है 10 रोटी खाने का, अवेलेबल है 5 रोटी, प्योर रोल करेगा? समझ गया ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट है मेरा, मान लो कि हम ये कह रहे हैं, हम ऐसे सोचो, हम ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट है मेरा इतना का और अवेलेबल है हमको इतना है, इतना ही हमको फ्रिक्शन के लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन बनता है? मेरी बात आई समझ में? क्या बॉडी रोल करेगा? यही कहना चाह रहा हूं। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी जो है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट से, अरे भाई जितना रिक्वायरमेंट है मेरे को और अवेलेबल ज्यादा है तो मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। यही कह रहे हैं कि जो अवेलेबल है वो कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा, उसको भाई फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा होना पड़ेगा। तो जो म्यू है वो इससे ज्यादा होना पड़ेगा। म्यू का मतलब 10 अल्फा होता है, याद है कि नहीं है? तो एंगल कितना होना चाहिए, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते पढ़े थे ना, इसको वहां 10 थीटा बोले, हम ऑलरेडी यहां पर थीटा ले चुके हैं, इसे अल्फा बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी का। मान लो एच हाइट पर से डिस्कस कर रहे हैं, अब यहां पर छोटा सा सवाल आएगा कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करोगे? इनिशियली रफ्तार तो जीरो है और ओमेगा भी शुरुआत में जीरो है। अब बॉडी जब रोल करने लगेगा जमीन पर, इसका वेलोसिटी हो जाएगा वी नॉट और घूम रहा होगा ओमेगा नॉट से, जो कि वी नॉट बाय आर के बराबर हो जाएगा। क्या इसके पास दो दो रफ्तार है, एक भगाऊ एक घुमाऊ? अरे है कि नहीं है? अरे एक रफ्तार है जो भगा रहा है इसको, एक रफ्तार जो, क्या इसके पास दो दो काइनेटिक एनर्जी आ गया? क्या इसके पास शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी था? क्या शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी है? क्या हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? नहीं कि हाँ कि नहीं? कैसे? फ्रिक्शन है यार, फ्रिक्शनल सरफेस है। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो खा जाएगा एनर्जी को, एनर्जी लॉस होगा। हम नहीं पढ़ने वाले, हम चले प्रदेश हिमालय पे। मेरी बातें समझ में आ रही है? हम क्या बोल रहे हैं बताओ, सोच के जवाब देना। शुरुआत में रफ्तार नहीं है, एक काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, फाइनली दिख रहा है एमजीएच भी दिख रहा है, इनिशियल बराबर फाइनल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रफ सरफेस है सर, फ्रिक्शन, लेकिन प्योर रोल कर रहा है यार।
प्योर रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है। अब तो पक्का नहीं पड़ेंगे, अब हो गया यार, फ्रिक्शन है लग नहीं रहा है। समझो ये पॉइंट भाई रेस्ट में है ना, पॉइंट भाग रहा है, फ्रिक्शन है वो वर्क नहीं कर रहा ना, फ्रिक्शन बॉडी को घसीट रहा थोड़ा। फ्रिक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये तो ऐसे समझ सकते हो, मेरी बात आएगी नहीं आई समझ में। अरे जब पॉइंट रेस्ट में है ना, वो तो पॉइंट जो बॉटम पे जहां पर सट रहा है, जहां फ्रिक्शन लग रहा है, जो तुमको लग रहा है वहां लग रहा है, वो तो रेस्ट में है ना। अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो पॉइंट क्या है, रेस्ट में है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या है, जीरो। तो फ्रिक्शन पर काम नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन होने के बावजूद हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। मेरी बात आई समझ में? तुमसे अगर कोई पूछेगा ऐसे छोटा सा स्टेटमेंट, तुमसे भाई पूछेगा नीट वालों से, फ्रिक्शन है कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा। बात समझ में आया? कंफ्यूजा देगा तुमको, दो लाइन लिख करके स्टेटमेंट लिख देगा, याद है असर्शन रीजन करके दे देगा। अरे दे सकता है यार, कई दिक्कत है, चार लाइन लिख देगा, बोले विच वन इज ट्रू, हो जाएगा कि नहीं होगा। क्या बात समझ रहे हो ना, तुम लोग को तो पक्की आएगा दूगल असर्शन रीजन मेन में, आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आएगी नहीं आया, क्या बोलोगे बताओ? फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना क्या, इक्वल टू जीरो, हेंस एनर्जी इनिशियल बराबर एनर्जी फाइनल। तो यू आई प्लस में के आई इक्वल टू यू एफ प्लस में के एफ लिख दोगे क्या? इनिशियली पोटेंशियल क्या दिख रहा है, एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी जीरो, समझ रहे हो? यू एफ क्या हो गया, ग्राउंड पर आ चुके हैं भाई, जीरो। के एफ क्या हो जाएगा, भाग रहा है, घूम रहा है, क्या गलत लिखे सही लिखे, अरे भाग रहा है घूम रहा है, दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं आया, समझ में? आई बराबर एम के स्क्वायर और ओमेगा बराबर वी वाई आर पुट कर लें तो एम जी एच बराबर क्या होगा बताओ, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस में हाफ आई मतलब, और वी नॉट का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, गलत लिखे सही लिखे, सही है? तो ये मेरा हाथ तेज भाग रहा है, स्लो करना पड़ेगा, ठीक है यहां तक? अरे समझ गए कि नहीं समझे? क्या मैं वेलोसिटी के लिए कुछ कुछ ले सकता हूं, ये खत्म दिख रहा है क्या, 2mg सॉरी 2gh हो गया क्या ऊपर में, देखो 2gh हो गया, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर नीचे आएगा क्या, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बराबर v का स्क्वायर जो v नॉट का स्क्वायर हुआ, गलत है क्या? तो v नॉट बराबर क्या हो गया, रूट ओवर जमीन पर इतना रफ्तार है इसके पास, गलत है कि सही है, समझ में आया? छपो, जमीन पर पहुंचते इसका रफ्तार निकाल लिए, जमीन पर पहुंचते इसका ओमेगा कितना होगा ये भी निकाल सकते क्या, ओमेगा बराबर भी वा बाय आर, क्या ना जी, तो वन बाय आर टाइम्स ऑफ रूट ओवर टू जी एच बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, गलत लिखे सही लिखे, तो ओमेगा आएगा यही आएगा, अरे वी बाय आर होता है ना, वन बाय आर इस, अच्छा एक बात और समझ में आ रहा है, हमको एक्सेलरेशन पता चल गया, हमको जमीन पर रफ्तार पता चल गया, समय पता चलेगा क्या, वी बराबर यू प्लस में टी, अरे यार एक्सेलरेशन ही तो है ए जो कांस्टेंट है, तो वी नॉट बराबर यू प्लस में ए टी, यू है या नहीं है बना जल्दी से, टाइम टाइम निकालो कितना देर में ये गिरेगा, क्या इनिशियल रफ्तार जीरो है, ओमेगा जीरो है, जमीन पर आते ही इसका रफ्तार क्या हो गया, वी नॉट हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है क्या ए से, ए बराबर क्या है बता तो, जी साइन थीटा बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, अरे इसी से तो यार होता क्या, जी साइन थीटा होता है ना, बस डिवाइड किससे हो रहा है, वन बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सेम हो रहा है, और इसी से सिर्फ डिवाइड हो रहा है हर बार,
ये नया टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा यार बार बार, इतना ही समझना है। और क्या करना है, क्या लिखोगे? भी बराबर भी नॉट, भी नॉट कितना है? रूट ओवर टू जी एच बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं? U है जीरो, एक्सन कितना है? जी साइन थीटा बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर इंटू कितना देर में गिरा टी नॉट। तो टी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? इतना बाय इतना, इसको ऊपर भेज दें, इस चीज को ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय जी साइन थीटा। गलत लिखे हैं, सही लिखे हैं? इंटू रूट ओवर टू जी एच बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। ये से ये कट गया, रूट वन दे जाएगा ना, बाकी सब को अंदर भेजो। टी नॉट बराबर क्या रूट ओवर टू जी एच वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। अब भाई इसको अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी से जी खत्म हो गया तो क्या बचा? टी नॉट बराबर वन बाय साइन थीटा बाहर कर लेते हैं, रूट ओवर टू एच बाय जी वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इतना देर में ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा जो भी डिस्क वगैरह है। अब ज्यादा हो रहा है, आई कांट बर्दाश्त हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है। हल करते तब बात समझ में आएगा। करें, मान लो एक डिस्क दिया हुआ है, क्या ये डिस्क दिया हुआ है, फ्रिक्शन निकालो। उससे अच्छा है क्या हमें काम करते हैं, रुको हम सब निकलवा देते हैं एक बार, हम एक ही बार सब निकलवाते हैं, रुको रुको हम एक काम करते हैं, सुनना ध्यान से। रिंग बना रहे हैं, डिस्क और क्या है, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, यही चार है ना हमारे पास, अरे है कि नहीं है? मेरी बात आ रही समझ में? तो चलो जल्दी जल्दी बताओ हमको इन सब का रेडियस ऑफ जायरेशन के, हमको क्या चाहिए? सुनो ध्यान से, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए। हर बार आ रहा है ना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमको क्या चाहिए? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमको चाहिए। पहले बताओ तो ये क्या आएगा? क्या हमको पता आई बराबर एम के स्क्वायर होता है? आई मतलब एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, एम से एम खत्म हो गया, इसका मतलब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? वन के बराबर। यहां पर क्या लिखोगे डिस्क के लिए? एम आर स्क्वायर बाय टू बराबर एम आर स्क्वायर, सॉरी एम के स्क्वायर, एम से एम खत्म हो गया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या आ गया? हाफ। ओहो हमको तो ये समझ में आ रहा है जो रेशियो तो वो आगे वाला नंबर है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? टू बाय थ्री, इसमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? टू बाय फाइव। मजे आए? अब पूछा एक्सेलरेशन बताओ तो क्या लिखोगे? जी साइन थीटा बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मेरी बात आई समझ में? तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बराबर जी साइन थीटा बाय वन प्लस वन बराबर हो गया जी साइन थीटा बाय टू। गलत लिखे सही लिखे? इसका क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा वन प्लस वन बाय टू, टू जी साइन थीटा बाय थ्री। इसमें क्या हो जाएगा? थ्री जी साइन थीटा बाय फाइव, इसमें हो जाएगा फाइव जी। मजे आ गए ना आप भाई? किस वक्त कोई दिक्कत नहीं आता है? अरे नहीं आया समझ में? अब बताओ वेलोसिटी भी बराबर क्या होता है? रूट ओवर टू जी एच बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही था क्या? रूट ओवर
मजे आए। इसका बताओ रूट ओवर, फोर जी एच ना, फोर जी एच बाय थ्री, मेरी बात आ रही समझ में, सिक्स जी एच, समझ रहे हो उसको, सिक्स जी एच बाय तुमसे सवाल नीट वालों और मेन वालों कहेगा एक सॉलिड स्फीयर ऊपर से गिरा जमीन पर रफ्तार कितना, कोई सवाल बनता है सबका क्या, बन जाएगा आराम से, समय कितना देर में गिरा, क्या हम निकालेंगे तुम निकाल लोगे, म्यू कितना चाहिए, म्यू कितना लग रहा है हमको ये चाहिए, अरे भाई म्यू मैक्सिमम है म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी म्यू मैक्सिमम है वो म्यू जी कॉस थीटा, मेरी बात ही नहीं समझ में आई, अरे यार म्यू मैक्सिमम है ना वो, मेरी बात समझ में ही नहीं आ रहा ना, सुनो ध्यान से, हाँ फ्रिक्शन मर गया, ये जो म्यू है ये इससे ज्यादा होना चाहिए, और अगर हम म्यू के जगह पे ये लिख दे कि एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन, ये तो मैक्सिमम है ना, तुमको पता है म्यू बदलता है स्टैटिक लिमिटिंग, बताए थे बात, एन तो फिक्स है यार, अरे एक बॉडी का एन फिक्स है ना, एन बराबर एम जी या एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन के बदलने से या फोर्स के बदलने से म्यू बदल रहा है क्या, अरे म्यू ही ना बदलता है, म्यू स्टैटिक का अलग होता है, लिमिटिंग का अलग होता है, करंटिक का अलग होता है, म्यू ही ना बदलता है यार, तो जो यहां पर म्यू अवेलेबल है वो क्या है, टेन थीटा बाय वन प्लस में आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये निकाल लोगे क्या, मेरी बात आई समझ में, जो रिक्वायर्ड म्यू है वो निकाल लोगे, अरे बाकी सबके लिए तो के ही वही टेन थीटा रहेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट है ना, ये क्या है रिक्वायर्ड कितना है, क्या निकाल लोगे, अरे यार टेन थीटा बाय वन प्लस में के स्क्वायर बाय सॉरी आर स्क्वायर बाय के का स्क्वायर, तो टेन थीटा बाय टू हो जाएगा क्या, अरे उल्टा लिखाएगा यार वहां पर से टू बाय वन हो जाएगा, मेरी बात आ रही समझ में, चलो छापो जल्दी छापो पूरा का पूरा कहानी,